बोलेंगी हमारी सभी बहनें हमारे साथ में। आगे हमारे परम श्रद्धे गुरु जी अतिशीघ्र मंच पर उपस्थित होने वाले हैं और आप लोग एक बार हमारे साथ बोलिए। कहना चाहूंगी मैं अपनी बहनों से, अब बुद्धि धम में अपना लीजो बहनारी ने कहा, आवाज नहीं आ रही मेरी माता बहनों की, प्यार से बोलिए, अब बुद्धि धम में अपना लीजो बहनारी ने कहा, कैसे अपनाना है बुद्धि का धर्म, चोरी चुगली से तुम डरना, ए माता बहनों बुद्धि का धर्म कैसे अपनाओगी, ऐसे थोड़ी ना अपनाया जाता बुद्धि का धर्म, जैसे रास्ता गली निकलते नमो बुद्धाय हो गया बुद्ध धर्म, हम तो बुद्ध धर्म वाले हैं, ऐसे नहीं, धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए, संस्कारों में होना चाहिए। संस्कार समझते हो, हमारे तीज त्योहार अलग है, हमारे संस्कार अलग है। ऐसा मत करो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने नाता जोड़ा, समझ रहे होगे, आप समझदार हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब बुद्धि धम में अपना लीजो बहनारी ने कहा, हमारा जो पंचशील है, पानातिपाता बेल मणि शिखा पदंग समाध्यामी। कैमरा वाले भैया का कर रहे हो, इनको फोटो डाल के रुवासी सी बैठी हैं, हैं? अगर कोई वीडियो देखेगा तो जाके करे जा दिखा जा कहाँ की है जी, कैसी बैठी मोलट का, ना बोलती हो ना चालती हो, हम जानते हैं तुम्हें डर है, अगर हम ज्यादा बहन जी से संपर्क बढ़ाएंगे तो अपने घर चाय पिलानी पड़ेगी, खाना की पूछना पड़े, चुप्पा कथा सुनो सरक जाओ, हैं? और देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि पी लई दारू फेंक दियो दम और बाद में बोली नमो बुद्धा, ऐसे धर्म नहीं मान पाओगे। धर्म कोई वस्तु नहीं जो उठा के दे दे हम तुम्हें। और ये श्रीमती प्रियंका शाक्या वाइफ ऑफ भाई कल्लू साक के ग्राम रामपुरा से, हाँ, और ये इन्होंने धम्मदान दिया है मंच पर सभी भिक्षुओं को और मंच पर बैठे हमारे सभी भाइयों को धम्मदान देकर सम्मानित कर रही हमारी भाभी जी, बहुत बहुत शाबाश कल्लू भैया, बड़ी मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है। चोरी चुगली से तुम डरना, चोरी कौन कौन नहीं करेगा, चोरी माता बहने चोरी थोड़ी करती है, करता कोई नहीं, अच्छा चुगली कौन कौन करता है, ये बातें बहुत जरूरी है, उनने के साथ पंचायत रोज करेंगे लेकिन खूंटा वही रखेंगे, ऐसे थोड़ी कथा होती है। चुगली कौन कौन करता, चुगली जिस बात को करने से गांव समाज में विवाद पड़ जाए उसे चुगली कहते हैं, तो चुगली नहीं करना है, एक चोरी चुगली से तुम डरना,
बताइयो क्या करना है तुम्हें। आपस के भेद मिटाना है। अगर घर में, परिवार में, समाज में, आपस में कोई बात हो जाए तो आपस में बैठकर सुलझा लो। भैया काहे पंगा बढ़ाते हो। और ये हमारी छोटी बहन सलोनी साकिया, इन्होंने सुंदर सा उपहार भेंट कर सम्मानित किया है। बहुत बहुत शाबाश मंगल हो बेटा का। और ये श्रीमती विमलेश साकिया, ये जो सलोनी बिटिया थी अभी उनकी मम्मी हैं। और भैया का नाम क्या बताया? विमलेश साकिया। अच्छा सुनील भैया। अच्छा बाय फॉर बाय सुनील साहब। क्या करें, विमलेश कमलेश नाम तो सब एक ही जैसे हैं। चलिए ये सुंदर सा उपहार भेंट कर सम्मान किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सुखी जीवन हो। कहना चाहूंगी मैं अपने भाइयों से, सुन ले मेरे सभी भैया लोग, ए आपस के सब भेद मिटइयो। और ऐसा ही नहीं, ए भैया लोगों, संग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अपनी बहना को संग लगाए लीजो, भैया देने का पुत्र धम में अपनाए लीजो, भैया देने का। बोलिए भगवान बुद्ध की।